बात तो ये कि ये देश की जनसंख्या के लिए अच्छा है। मैं बस फायदे गिनवा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य क्यों? पहले तो ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मन मतलब जो परम है या ईश्वर, चर्य मतलब मार्ग, जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है एक ब्रह्मचारी है। जो ईश्वर के रास्ते पर है का मतलब है, देखिए आखिरकार हर कोई आनंद की खोज में है ना, जाने या अनजाने में, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आपको आनंद नहीं मिला तो आपने सुख से काम चला लिया। सुख आनंद नहीं है, सुख बस आनंद की परछाई भर है। ये सुंदर है लेकिन ये बहुत सीमित है। जब भी आप खुद को सुख में लगाते हैं, अगर आपको सुख लेना है तो सुख के लिए आपको किसी इंसान की या किसी चीज की जरूरत पड़ती है, है कि नहीं? Yes. जितना आप सुख की गहराई में जाते हैं उतनी ही गहराई से आप उस इंसान या उस चीज से बंध जाते हैं। हाँ, मान लीजिए ये चीज या ये व्यक्ति आपसे ले लिया जाए तो आप टूट जाएंगे, है कि नहीं? अगर आपका सुख के साथ बड़ा गहरा जुड़ाव है तो वो चीज या वो इंसान जिससे आपको सुख मिलता है आपसे ले ली जाए तो आप टूट नहीं जाते। तो आपका अस्तित्व एक बड़ा बंधन बन जाता है। बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मजा लेता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा हर एक बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है ना? लेकिन अगर आप सुख खोजने में लग गए तो आप खुशी खुशी अपने आप ही ऐसी सीमाएं बना रहे हैं जिन्हें आप पार नहीं कर सकते। बुरी लगने वाली सीमाओं को आप तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? अच्छी लगने वाली सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते, है ना? अपनी बहुत सारी जंजीरों पर आपने सोने का पानी चढ़ा रखा है और आप उन्हें गहनों की तरह पहनते हैं कि नहीं? अपनी सीमाओं का आप जश्न मनाते हैं। एक बार आप अपनी सीमाओं का जश्न मनाने लग गए तो फिर उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप ईश्वर के रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि इस तरफ पहला कदम यह है कि आप अपने स्वभाव से ही प्रसन्न हैं। जब भी आप बहुत खुश या आनंदित होते हैं, आपने देखा है, ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी एक दिन जब आप बहुत खुश होते हैं, अगर आप खाना ना खाएं, सोएं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होता है ना? अगर आप ना खुश हैं तो हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। आप दुनिया में हर चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं, है कि नहीं? जब आप सच में आनंदित होते हैं तो देखिए यह आपको मुक्त कर देता है। जब आप नाखुश होते हैं तो हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है, हर चीज़ एक विशेष तरीके से होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए आप शिकायत करते हैं। नाखुश लोग हमेशा शिकायत करते हैं। खुश लोगों के साथ काम करना, उनके साथ होना हमेशा आसान होता है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो कुछ और मायने नहीं रखता, हर चीज़ लचीली होती है। तो आज़ादी किस में है? आनंद आज़ादी है या सुख आज़ादी है? साफ है, आनंद आज़ादी है, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि प्रसन्न कैसे रहा जाए। अगर आपने इसे बाहर ढूंढा तो आप अपने आप सुख खोजने वाले बन जाएंगे। आनंद का स्रोत तो वैसे भी आपके अंदर है। जब भी आप खुश थे तो खुशी आपके अंदर महसूस हुई थी या ये बाहर से आप पर बरसी थी? ये हमेशा आपके अंदर होती है कि नहीं? तो अगर खुशी का स्रोत आपके अंदर है तो इसे बाहर खोजना एक बेवकूफी भरा काम है। हाँ, होता यह है कि खुशी का स्रोत आपके भीतर है, बस आनंद पाने के लिए आप बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। या दूसरे शब्दों में, आपका आनंद धक्का मारकर स्टार्ट होता है। क्या हम इसे सेल्फ स्टार्ट बना लें? आपको नहीं चाहिए? अगर आपने अपने आनंद को सेल्फ स्टार्ट बना लिया है तब आप एक ब्रह्मचारी हैं। अब आप ईश्वर के रास्ते पर हैं, आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। क्या यहाँ के सारे ब्रह्मचारी ऐसे बन गए हैं? हो सकता है नहीं, लेकिन इरादा यही है, वो इस तरफ काम कर रहे हैं। इस तरफ काम करने के लिए आपको एक स्थान और समय चाहिए होता है, आपका अपना, जिसमें आपको अपने जीवन में दूसरी चीजें हैंडल ना करनी पड़े। इसलिए उन्होंने जीवन जीने का एक खास तरीका चुना है। अभी कल हम लोग ऊपर पहाड़ पर गए थे। सिर्फ अपने शरीर का भार लेकर ऊपर चढ़ने में आप में से कई लोगों के पैर कांपने लगे थे, है कि नहीं?
मान लीजिए आप अपने कंधे पर चार लोगों को बैठाकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं, आप में से कितने लोग ऊपर पहुंच पाएंगे? आप में से ज्यादातर नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए ब्रह्मचर्य। आप समझे, आप बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 लोगों को कंधे पर लेकर चढ़ने की ताकत होती तो ये शानदार बात होती, लेकिन ऐसे लोग हमें बहुत कम ही मिलते हैं। अकेले चलना बेहतर होता है, इसलिए वो अकेले चलते हैं। अभी आपकी समस्या ये है कि जब तक आप 14 के हुए, आपकी बुद्धि हॉर्मोन्स ने हर ली इतनी ज़्यादा कि आप समझ ही नहीं पाते या ये मान ही नहीं पाते कि इनसे मुक्त कैसे होना है। कोई यहाँ बस बैठे बैठे खुश रह सकता है? उन्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आदमी औरत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसा या वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस जीवन में साधारण चीज़ें करके खुश हैं। आपसे ज़्यादा आनंदित हैं, आपसे ज़्यादा तीव्र हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए? नहीं, आप सभी को अंदर से ब्रह्मचारी बनना चाहिए। In terms of lifestyle, not necessarily. Brahmacharya does not mean just celibacy. जीवन शैली के मामले में वो जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ कुंवारा रहना नहीं है, ठीक है? ब्रह्मचारी बनने के लिए ये बहुत सारे पहलुओं में से बस एक है जिसे मदद के लिए लिया गया है। ब्रह्मचर्य यानी आप दिव्य के रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब आप अपने स्वभाव से ही परमानंदित हैं। आप शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ये संभव है, क्योंकि आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। आप अपने पति या पत्नी से आनंद निचोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए, पूरे संसार को ब्रह्मचारी होना चाहिए, है कि नहीं? हर किसी को अपने स्वभाव से आनंदित रहना चाहिए। अगर दो लोग मिलते हैं तो ये खुशी बांटने के लिए होना चाहिए, ना कि एक दूसरे से खुशी ऐंठने के लिए, है कि नहीं? तो जिन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्हें किसी दूसरे से खुशी नहीं ऐंठनी है, बल्कि उन्हें अपने ही भीतर की खुशी का स्रोत पाना है, उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया है। और एक खास व्यवस्था क्यों बनाई गई है? उन्हें सिर्फ उनके आत्मज्ञान के लिए नहीं अपनाया गया है। अगर ये सिर्फ उनके आत्मज्ञान की बात होती तो हम कितने ही दूसरे तरीकों से ऐसा कर सकते थे। आप में से कितनों ने आम खाया है? आपने आम खाया? हाँ, आपने आम खाया? नहीं। आप में से कितनों ने आम का पेड़ लगाया है? देखा, केवल 10 लोगों ने आम का पेड़ लगाया है, पर आम खाया सबने है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार हर पीढ़ी में वो 10 लोग आम के पेड़ लगा रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं, है ना? तो आध्यात्मिक मार्ग को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखने के लिए ब्रह्मचारियों की ज़रूरत है। ब्रह्मचारी का मतलब है कि हम उन्हें इस तरह से रख रहे हैं कि उनकी ऊर्जाएँ ढीली हैं, लचीली हैं, हम उनसे कुछ भी बना सकते हैं। मतलब कुछ भी बना सकते हैं। मैं 10 ब्रह्मचारियों को एक में मिला सकता हूँ और 10 ब्रह्मचारियों से एक बहुत बड़ा इंसान बना सकता हूँ, एक बहुत बड़ी शक्ति। हमने उनकी ऊर्जाएं ढीली रखी हैं, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। आप उन्हें जैसे भी मोड़ें वो वैसे ही बन जाएंगे। देखिए, अगर हम एक उदाहरण लें तो आप एक मिट्टी के बर्तन की तरह हैं, आप एक कार्मिक बर्तन जैसे हैं। कुछ विशेष कर्मों ने, विशेष प्रभावों ने आपको एक विशेष रूप दिया है। हाँ? जीवन की प्रक्रिया के साथ अब आप एक विशेष प्रकार के इंसान बन गए हैं। जब आप बच्चे थे तो ये काफ़ी लचीला था, जब आप युवा थे तब ये थोड़ा कड़ा हो गया, जब तक आप वयस्क होते हैं ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे हम देख सकते हैं कि बर्तन धीरे धीरे जीवन की प्रक्रिया के साथ पक रहा है। अब जब तक आप बूढ़े होंगे तब तक ये पूरी तरह से सख्त रूप होगा। अगर आपने इसके साथ कुछ भी किया तो ये टूट जाएगा। देखिए, अभी यहाँ एक पका हुआ बर्तन है, अगर आप इसका आकार बदलने की कोशिश करें तो ये केवल टुकड़े टुकड़े ही होगा, है कि नहीं? लेकिन जब ये पका नहीं था तब आप आसानी से इसको मोड़कर कुछ भी बना सकते थे। आपने 10 कच्चे बर्तन बनाए, कल आपको ये अच्छे नहीं लगे तो आप इन सबको एक साथ जोड़कर एक बड़ा बर्तन बना सकते हैं, है कि नहीं? अब हम पके हुओं को कच्चा बना रहे हैं, हम उन्हें उस अवस्था तक कच्चा बना रहे हैं जहां वो बहुत लचीले हो जाएं, हम उन्हें कोई भी आकार, कोई भी रूप दे सकते हैं। तो ब्रह्मचारी उस तरफ काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साधना है, ये वैसा नहीं है, जानते हैं, जैसे दुनिया के दूसरे सिस्टम कर रहे हैं कि वो बस शादी न करने की कसम खा लेते हैं। ये वैसा नहीं है,
वो अपनी ऊर्जाओं के साथ क्या करते हैं उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम है, अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है। जो आपको दिख रहा है कि उन्होंने शादी नहीं की, ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है, बाकी का बहुत अंदरूनी है। और ऐसे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, उनकी समाज में ज़रूरत है। किसी भी समय किसी भी समाज में दूसरों की भलाई सोचने वाला अगर कोई भी नहीं है, तो वह समाज निश्चित ही बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, पक्का। अभी इस समाज के साथ यही चीज़ हुई है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सब मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या। अगर कुछ प्रतिशत लोग अपनी भलाई से परे सोच रहे हैं, सिर्फ तभी समाज संतुलित और स्थिर रहेगा, नहीं तो समाज बस बर्बाद होता चला जाएगा। क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ लोग हैं जो अपनी भलाई अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, वो देखते हैं कि ये सब दूसरों के लिए कैसे संभव हो। तो आध्यात्मिकता की प्राचीन शुद्धता बनाए रखने के लिए और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने के लिए ब्रह्मचारी भविष्य के लिए एक निवेश हैं, एक छोटे मूल समूह की ज़रूरत है। सबको ये करने की ज़रूरत नहीं है और न ही हम सबको लेंगे। हर साल ब्रह्मचर्य के सैकड़ों आवेदन आते हैं, हम उनमें से बस 8-10 लोगों को लेते हैं। बहुत सारे गुणों को देखते हुए और तमाम संभावनाओं को देखकर हम हर किसी को नहीं लेते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है और न ही वो ऐसे बन पाएंगे और न ही वो उतनी साधना कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है या जो उनसे अपेक्षित है। आपका अस्तित्व लचीला और जागरूक बनना चाहिए, जिससे आप खुद को किसी भी तरह का बर्तन बना सकें। क्या ऐसी आज़ादी अच्छी चीज़ नहीं है? यही ब्रह्मचर्य है।